नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है और नशे की लत युवाओं को खोखला बना रही है। शराब ही नहीं, कई तरह के ड्रग को तस्कर बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में नशे का धंधा खूब फल फूल रहा है। हालांकि सरकार और पुलिस महकमा अलर्ट पर है और पुलिस की ओर से लगातार विशेष अभियान चलाकर नशा तस्करों को काबू भी किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में झज्जर पुलिस ने नशे की एक बड़ी खेप के साथ तीन तस्करों को काबू किया है। बादली के पास कैंटर से 30 लाख का गांजा बरामद हुआ है, जिसको झज्जर, रोहतक और सिरसा समेत प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई करने की योजना थी। ऐसे ही टोहाना में भी करीब 40 लाख की हेरोइन के साथ चार तस्करों को काबू किया गया है। कार से पुलिस को 1 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। रोहतक के खरावड़ में पुलिस की ओर से अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। इसके अलावा रतिया के कई गांव में लोग ठीकरी पहरा लगा रहे हैं ताकि नशे के सौदागर उनके बच्चों को नशे के दलदल में न धकेल दें। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब से सटे इलाकों में ये नशा तस्कर ज्यादा हावी हैं। सिरसा, फतेहाबाद, रतिया, जाखल, इन शहरों में आए दिन नशे की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। अंबाला, यमुनानगर समेत दूसरे जिलों में भी हालांकि अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन लगातार बढ़ता हुआ नशा चिंता का विषय बना हुआ है। तस्वीरें कुछ हम आपको दिखाते हैं। ये हाल ही में की गई कार्रवाई से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं जिनको आप देख रहे हैं। टोहाना में भी कार्रवाई की गई, जहां पर नशे की खेप को बरामद किया गया। सिरसा में भी, फतेहाबाद में भी, झज्जर में भी, रोहतक में नशे के खिलाफ अभियान भी चलाया गया, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रतिया की जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ग्रामीण ठीकरी पहरा दे रहे हैं ताकि उनके बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके, नशा किसी भी तरह से उनके गाँव के अंदर ना आए, इसलिए वहां की जिम्मेदारी ग्रामीणों ने खुद अपने स्तर पर उठाई है। और जाखल में भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह बढ़ता हुआ जो नशा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों अब हरियाणा के अंदर भी ये जो नशा है बहुत तेजी के साथ अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। इतनी कार्रवाई के होने के बाद भी ये नशा तस्कर आखिर नशे के इन सामान की सप्लाई कैसे कर लेते हैं, आखिर कहां पर चूक हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि ये सीधा सवाल भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, वर्तमान में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इस नशे की खेप पकड़ी जा रही है, उसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये वो खेप है जो कि पुलिस बरामद कर ले रही है या जिस पर कार्रवाई पुलिस कर रही है। लेकिन न जाने इस तरह से कितना नशा हरियाणा के अंदर अलग अलग जिलों में अपने पांव पसार रहा है और वो आपको, हमको, हमारे परिवार के, हमारे बच्चों को, सबको प्रभावित कर रहा है, ये एक बेहद संदिग्ध विषय है। तो हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने भी नशे को बड़ी चुनौती माना है। हालांकि पुलिस महकमे में नशा तस्करों की कमर तोड़ने का प्लान बनाया गया है और अब जल्द ही प्रदेश भर में सरप्राइज रेड भी की जाएंगी। यहाँ पे 3-4 परिवार रहते हैं जिनका धंधा नशा बेचना हो गया है। उनके खिलाफ पुलिस ने पिछले 6 महीने में 17 मुकदमे दर्ज करे हैं, क्योंकि मगर माइनर क्वांटिटी के मुकदमे हैं तो उनकी जमानत हो जाती है। तो हम इसमें होलिस्टिक प्रयास करेंगे, एक तो बड़ी मात्रा में ये बरामदगी हो ताकि ये लोग लंबे समय के लिए जेल जाएं। हम अदालतों से भी दरख्वास्त करेंगे कि इनकी जमानत आसानी से न ली जाएं। और तीसरा, इस जगह पे मैं खासतौर पे सर्वेलेंस के तौर पर, क्योंकि ये हब के तौर पे डेवलप हो रहा है, इसको पिछले 5-6 महीने से पुलिस की फोकस में तो है, तभी ये 17 मुकदमे दर्ज भी किए गए हैं। परंतु इसमें और सख्ती से कार्रवाई करने के लिए अभी मैं अगले आठ दिन यहाँ पर निगरानी भी करवाऊँगा और कुछ पोस्टर्स हमने लगाए हैं पोस्टर्स, ताकि उससे लेकर मैं डिफरेंस भी हूँ और जो बाहर के लोग आने वाले इस नशे के लिए आएंगे उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई। तो जाहिर बात है कि बढ़ता नशा एक बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन अब पुलिस प्रशासन या फिर महकमा इसको लेकर के अपने स्तर पर क्या तैयारियां कर रहा है, एक बार ग्राफिक के जरिए भी आपको बताते हैं कि बेहतर प्लान क्या है, किस तरह से इसको रोका जाएगा। अभियान हालांकि नशे के खिलाफ चल रहा है, 14 दिसंबर 2021 को बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है नशे के खिलाफ, चूंकि लगातार शिकायतें मिल रही थी और एक बड़ी खेप बरामद की गई जब ये अभियान, इसकी शुरुआत होती है और इसका आगाज होता है। गृह मंत्री के आदेश पर अभियान चलाया गया नशे के खिलाफ, जिसमें भारी मात्रा में पुलिस ने नशे को बरामद किया, जो कि अलग अलग जेलों के अंदर ले जाकर के इनको सप्लाई करने की योजना तस्करों ने बनाई थी। प्रदेश भर में 1,169 जगहों पर छापेमारी नशे के खिलाफ हुई और लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है वो विभाग के द्वारा की जा रही है और इसलिए जो नशा तस्कर हैं उनको गिरफ्तार भी पुलिस कर रही है। 100 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया जब नशा या नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उस दौरान, और अभी तक आप देख रहे हैं कि लगातार या हर रोज हम कहें कि कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई जरूर सुनने को मिलती है। एक ही दिन में आप देखें 98 FIR भी दर्ज हुई थी जब आगाज हुआ था नशे के खिलाफ इस अभियान का, और
नशे को रोकने के लिए लगातार पुलिस जो कार्रवाई है अपने स्तर पर कर रही है। इसमें गांजा, अफीम, स्मैक, हेरोइन और इंजेक्शंस को बरामद किया गया था और ये भारी पैमाने पर इनकी बरामदगी हुई थी। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से और कब से ये जो नशे की जो सप्लाई है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही थी। और अब पुलिस महकमे का प्लान क्या है ये भी आपको समझाते हैं। अब नशा रोकने के लिए सरप्राइज रेड की जाएंगी, यानी कि अचानक से कहीं पर भी छापेमारी हो सकती है अगर कोई इनपुट पुलिस के पास है। प्रदेश भर में छापेमारी अभियान चलाया जाएगा ताकि नशा या इससे जुड़े हुए जो लोग हैं इनके नेक्सस को तोड़ा जा सके और छापेमारी के दौरान ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर ये कहां से नशा और कहां सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा है। बड़े तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास रहती है और पुलिस ने प्लान ये बनाया है कि बड़े तस्करों को पकड़ा जाए ताकि इसको फैलने से रोका जा सके और फिर नशा तस्कर जो मिलेंगे उनके प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का प्लान पुलिस ने बनाया। तो पुलिस की तो ये रणनीति है लेकिन नशे को कैसे रोका जाए इसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल ही यही है, नशा बेलगाम है आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी। दूसरा सवाल यह है कि तस्करों से निपटने की रणनीति आखिर पुलिस के पास क्या है। पंजाब के छोटे इलाकों में आखिर ये नशा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पंजाब से लगते हुए जिलों में ये ज्यादा दिखने को मिल रहा है। और सवाल यही है कि आखिर युवाओं को नशे की तरफ कौन धकेल रहा है, इसको कैसे पता लगाया जाएगा और इसको रोकने का तरीका आखिर क्या हो सकता है। ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक तौर पर अगर आप देखें तो नशा एक बहुत बड़ी कुरीति है और उसके अलावा उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि उसको रोकना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय कराते हैं उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वंदना पोपली जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। संजीव भरद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव भरद्वाज जी आपका भी स्वागत। रजत मंजेटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। रजत मंजेटा जी आपका भी स्वागत। और विकास कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी हैं रेडक्रॉस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरीदाबाद से। विकास कुमार जी आपका भी स्वागत है। वंदना जी आपसे ही शुरुआत करेंगे, जाहिर बात है हालांकि एक सामाजिक कुरीति जरूर है, बुराई भी है, जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन चूंकि आप सत्ता में आप हैं तो जिम्मेदारी आपकी सबसे बड़ी है। नशे को कैसे रोकेंगे ये एक बहुत बड़ी समस्या और धीरे धीरे जिस तरह से फैल रहा है ये बहुत चिंता का सबब है। क्या प्लान है, सरकार के स्तर पर क्या तैयारी है और कैसे इसको आप रोक पाएंगे, आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। आयुष, आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं बहुत गंभीर विषय है और चिंता का भी विषय है। आपने भी तकरीबन अपनी जो बात रखी उसमें 10 बार आपने चिंता की बात करी, वो चिंता की बात आपकी भी है, मेरी भी है, यहाँ पर सभी जो बैठे हैं उनकी है, पूरे हरियाणा प्रदेश की है। हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमारी युवा पीढ़ी जिसको कहीं अखाड़ों में जाकर अपनी हड्डियों को मजबूत करना था, कहीं अपने स्किल को लेकर आगे बढ़ना था, अगर वो नशे की तरफ बढ़ती है तो वो एक परिवार का नुकसान नहीं है, वो पूरे प्रदेश का और देश का नुकसान है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा सजग है, हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा। हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं कहीं ना कहीं अधिकतर डिस्ट्रिक्ट बाकी जो स्टेट्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं और ये जितनी भी हमारे पास डेटाज आ रहे हैं अधिकतर उन्हीं डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं कि जहाँ पर वो पंजाब से जुड़े हुए हैं या जैसे गुड़गांव और दिल्ली से जुड़ा हुआ है वहाँ पर हमारे पास इस तरह के डेटाज आ रहे हैं। तो हमारा फोकस भी पूरी तरह से वहीं पर है कि एंट्री ही नहीं होने दे। और आप देखेंगे कि अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि किस प्रकार से टनों का जो माल है वो पकड़ा गया है, लेकिन एक चीज़ है आयुष, जब सख्ती बढ़ती है तो इस तरह के काम होते हैं कि हमने सख्ती बढ़ा दी, हमने नशे को पकड़ना शुरू कर दिया, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी तरफ ये नशा नहीं पहुँचे, लेकिन कोशिशें भी उसी हिसाब से बढ़े, कोशिशें कर रहे हैं कि हम कैसे भी करके जो नशा है वो बेच सकें। तमाम तरह के जो प्रयास हैं हमारी सरकार द्वारा किया गया, हम कह रहे हैं कि हम अगर उनकी प्रॉपर्टी अटैच करनी पड़ी तो प्रॉपर्टी भी अटैच करेंगे। पिछले अगर मैं बात करूं कि पिछले सरकारों के समय में कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया नशे के खिलाफ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सजग हैं उन्होंने बाकी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर एक विशेष अभियान चलाया सबके साथ मिलकर। वो ऐसा कभी नहीं हुआ था, वो सबसे पहले हुआ था क्योंकि वो इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हमारी युवा पीढ़ी नशे में डूब जाएगी तो देश और प्रदेश में कुछ नहीं बचेगा, हमारा भविष्य है वो। तो पूरा हमारा ध्यान उस तरफ है, हमारा पुलिस महकमा उसमें लगा हुआ है, हमारी तमाम कोशिशें की जा रही हैं, हम विशेष अभियान चला रहे हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है जी, वो है जागरूकता। जागरूकता लाना भी बहुत ज़रूरी है और वो पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। सबसे पहले लोग हमें सहयोग करें, लोगों को पता भी चले
कि किस तरह से जो है नशा लाया जाता है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और अगर कहीं से पता चलता है कि नशा आ रहा है, बिक रहा है, तो किसको कॉन्टेक्ट करना है। तो ये जागरूकता भी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है ताकि हम इस बुराई को, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इक्वली सारी चीजें मुझे लगता है कि जब सारी चीजें प्रोसेस में होंगी तभी एक हमको जो रिजल्ट है ना वो इम्पैक्टफुल देखने को मिलेगा। संजीव जी, क्या वजह आपको नजर आती है, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ हम लोग देख रहे हैं और लगातार ये बढ़ रहा है, कम होने की बजाय ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या वजह मानते हैं? संजीव जी एक बार अपनी ऑडियो अनम्यूट करें, मुझे लग रहा है म्यूट है शायद। अब देखना जी, जी आ रही आवाज। हाँ जी आयुष जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो विषय है ये विषय तर्क वितर्क के विषय है नहीं, इसमें सभी का कोई ना कोई रोल, चाहे वो सत्तारूढ़ दल है चाहे विपक्ष है, सभी का इसमें दायित्व बन जाता है कि इन विषयों को जो कि डायरेक्टली हमारी न्यू जनरेशन से कनेक्टेड है, न्यू जनरेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन बार बार जो सत्तारूढ़ दल के जो भी प्रवक्ता आते हैं बस अपनी पीठ थपथपाने के अलावा विषय पे ध्यान नहीं होता। पिछले ने ये कर दिया, अगले ने ये कर दिया, 7.5 साल बाद भी ये विषय, मैं छोटी छोटी बातें अभी बताऊं आपको कि ये जो नशा का विभाग पुलिस में बनाया उसमें स्टाफ ही नहीं है अब तक, उनको आज तक स्टाफ तक नहीं मिला, उनका ऑफिस भी नहीं मिला पूरा, जो सेटअप है उसके अंदर कुछ नहीं है। हमारी ड्यूटीज बनती हैं पूरे देश के अंदर, एक अकेले पंजाब में नशा नहीं उतर रहा जी। आपने पीछे देखा, कुछ टाइम पहले देखा किस कोर्ट पे कितने टनों के हिसाब से नशा उतर रहा था, तो ये तो पूरे देश की, चाहे वो विपक्ष की पार्टी है चाहे वो सत्तारूढ़ दल है, ड्यूटी बन जाती है कि हम सब मिलके कुछ ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं कि इस तरह के विषय जो भी हमारी युवा पीढ़ी से कनेक्टेड है या संबंधित है, उनमें चाहे विपक्ष हो चाहे सत्तारूढ़ दल हो, बैठ के एक नियम के मुताबिक काम करें तभी ये रोके जा सकते हैं। हालात ये हो गए, अब मैं पंचकुला मेरा निवास स्थान है, मैं आपको छोटी छोटी 2-3 घटनाएं बताऊं। हुक्का बार 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 बंद होने के बाद भी उनको कौन खुलवाता है ये मुझे नहीं पता, इवन शहर में भी हुक्का बार चल रहे हैं, 2 घंटे 2 दिन 1 दिन बंद हो जाते हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं, उसको भी कोई, सब्जी की दुकानों में जितनी ये बस्तियां हैं रिलेट करती हैं, इनमें खूनी संघर्ष होने लग गया नशे को बेचने के लिए, तो इसमें शायद सत्तारूढ़ दल के साथ विपक्ष की सबकी ड्यूटी बनती है कि कुछ एक ऐसा प्रोग्राम सत्तारूढ़ दल बनाए जिसमें सबकी ड्यूटी फिक्स हो और युवा पीढ़ी को इस बुराई से, और इस ये विषय इस बात का नहीं है, वहां उतर रहा है वहां से यहाँ आ रहा है। अब आप देखें हरियाणा में अब पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक, सारी जगह ये इतनी भारी नशे की बातें सामने आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें मतलब तर्क वितर्क का कोई विषय नहीं है, हम सब की ड्यूटी है और सब सरकार की ड्यूटी ये बनती है कि विपक्ष को भी विश्वास में ले और विश्वास में लेके कोई ना कोई एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करे जिससे ऐड हो कि भाई कोई इनाम की राशि के लिए, अब इसमें बात है किसी को कोई इनाम नहीं दिया गया, कोई बात नहीं हुई, थोड़ा सा हमारा जो अधिकारी गण है ना वो इस विषय में सुस्त है आयुष जी, मेरा मतलब ठीक है। संजीव जी आपने बड़ी बात कही और चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पहले तो ये बड़े शहरों तक दिखता था लेकिन अब तो ये ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच रहा है, इसलिए ये अलार्मिंग सिचुएशन तो है, बहुत जरूरी है कि इस पे किसी भी तरह से रोक लगे। पंजेटा जी आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। देखिए आयुष जी, मैं सीधे तौर पर इसको बेरोजगारी से जोड़ के देखूंगा क्योंकि बेरोजगारी का आलम आज इतना है और जिनके पास पहले जॉब्स थी उनकी भी जॉब्स गई हैं, और हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने यहाँ बोला कि सबका दायित्व बनता है कि कभी किसी को कोई खबर मिले
तो वो खबर जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाए। तो मैं बताना चाहूंगा, यहाँ भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं, कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा के तकरीबन हर सत्र में विद रिकॉर्ड विद नेम्स सिरसा के और फतेहबाद में, अगर आज देखा जाए तो पिछले 11 महीने में 19 टन जो ड्रग्स है वो बरामद करी गई है, जिसमें 11,666 किलो तो सिर्फ गांजा है। मैं अभी सारी डिटेल बताने लग जाऊंगा वो बहुत टाइम जाया हो जाएगा उसमें, लेकिन सिरसा के केसेस सबसे ज्यादा और तीसरे नंबर पे फतेहबाद आता है। तो मैम, जब बार बार आपको बाय नेम बताया जा रहा था, आप जांच करते पड़ताल करते इतनी भारी मात्रा में, मैं मुद्रा पोर्ट का जिक्र नहीं करूंगा, मैं दिल्ली में कितनी ड्रग्स पकड़ी गई उसका जिक्र नहीं करूंगा, वो भी पूरी लिस्ट है मेरे पास, मुद्दे की ज्यादा बात ये आती है कि यहाँ बजाय इन बातों पे जाने के ड्रग्स की खपत इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। और जैसे कि आयुष आपने कहा, बिल्कुल 100% मैं आपको इस बात से सहमत हूँ कि जो गांव में जिस हिसाब से नशा अपने पाँव फैला चुका है, अपने हाथ फैला चुका है, इतना ज्यादा तगड़ा नेक्सस है गांव में कि हर दूसरा नौजवान जो है, कोई ना कोई खबरें आती है हमें कि ड्रग्स की ओवरडोज से या किसी और कारण की वजह से, जो ड्रग्स से रिलेटेड है, जो यूथ की है, जो इनकी डेथ्स भी हो रही है। तो अगर सरकार का ध्यान अभी भी नहीं जा रहा, और बिल्कुल मैं आपको, ये बेरोजगारी से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है, नशे की तरफ अगर युवा खिंच रहा है, आज वो युवा बेरोजगार है, उसके पास मोबाइल फोन के अलावा, पबजी खेलने के अलावा, नशे के अलावा, आप उसको किसी काम में लगाए, रोजगार हो, तो कम से कम युवा जो है इस गलत रास्ते पे ना भटके, इसके इंतजाम करने चाहिए थे। जब आपको बार बार चेताया जा रहा था, जब आपको बार बार वॉर्न किया जा रहा था, सुभाष बराड़ा जी को भी बताया था, उनको भी सारा विधानसभा में डिटेल दी गई थी, मगर उस पे सरकार ने क्या काम किया? अभी तक जो बड़े नाम बताए गए थे वो स्कॉट फ्री हैं। तो अगर आप सिर्फ इसलिए, जैसे कि मैं सहमत हूं भारद्वाज जी से, ये एक दूसरे के ऊपर पिन पॉइंट करने की बात नहीं थी, वरना मैं पूरी डिटेल गुजरात की पूरी खोल के रख देता, लेकिन नहीं, मैं से ऊपर उठ के एक सामाजिक इश्यू है जिसमें सारा का सारा आज हमारा युवा जो है, और ग्रामीण क्षेत्र में खासकर, ये केसेस ऐसा नहीं है कि हम टीवी पर डिबेट करते हैं, हम जब आम घूमते भी हैं तो हमें सुनने में आता है अपने सर्कल में भी कि इस फलाना गांव के अंदर ये पकड़ा गया, उस फलाना गांव के अंदर ये युवा जो है, इतना युवा जो परसेंटेज युवा है, मेरे खुद के गांव के अंदर लगा लीजिए। मैं कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहता, जो बातें नहीं बोलनी चाहिए टीवी पे, लेकिन जो आज पंजेटा जी आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पे सभी के हैं, और मुझे लगता है कि इसलिए भी ये समझ में आ रहा है क्योंकि अब बड़ा आम है, बहुत इजीली और इजी टू एक्सेस भी हो रहा है ना, इसलिए भी लग रहा है कि कितना आसान है कि यहाँ तक लोग पहुंच जा रहे हैं, और वो बहुत अलार्मिंग है। विकास जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, और आप तो जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि आप थोड़ा और इसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। हरियाणा, जिसकी पहचान हम लोग ये जानते थे कि दूध दही की वजह से होती है, दंगल, कुश्ती, पहलवान, खेल खिलाड़ी, लेकिन नशे की जद में ये जो जाता हुआ हरियाणा हमको अभी दिख रहा है, कितना अलार्मिंग है, और इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आती है? जी नमस्कार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी विकास जी, देखिए नशा जो है वो अगर हम उसको सोचें तो सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के ऊपर जो हम ब्लेम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर के अंदर, सबसे पहले तो हमें अपने घर के अंदर देखना चाहिए कि हमारे घर के अंदर ऐसा कोई बंदा तो नहीं है जो इस प्रकार से किसी न किसी नशे की लत की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसके साथ हमें, जैसे हमारे RWs हैं या हमारी पंचायतें हैं या हमारे गांव हैं, हमें थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नेक्सस है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हमारे सारे के सारे बच्चों को, हमारे युवा पीढ़ी को, और जो लोग पुराना इसमें नशा कर रहे हैं वो तो इसमें इन्वॉल्व है ही है, और जो हमारे आज पनप रही है उसको भी अपनी 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 गिरफ्त में लिए जा रहा है। आज एक नशा स्टेटस सिंबल बन के भी उभर रहा है, आप देखिए मीडिया के अंदर भी इसको इतनी अच्छी तरीके से दिखाया जाता है कि लेडीज भी नशा कर रही हैं, जेंट्स भी नशा कर रहे हैं, बच्चे भी नशा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्टफुल दिखा के उसको हम जो अपने बच्चों को इस तरफ आगे अग्रसर कर रहे हैं, तो हम सब की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सबसे पहले तो अपने घर की तरफ ध्यान दें कि हमारे घर के अंदर ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो इसकी ओर अग्रसर हो रहा है, वो किस कॉलेज में जा रहा है, किस स्कूल में जा रहा है, उसके पीयर ग्रुप कौन से हैं,
और उस पीर ग्रुप से उसको क्या सीखने को मिल रहा है और क्या उसको गंभीर लत देखने को मिल रही है, जब तक हम इन चीजों को ध्यान नहीं रखेंगे हम इस गिरफ्त के अंदर आगे आगे। लेकिन विकास जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं जो बात अभी पंजेटा जी ने कही, चूंकि वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी या फिर लोगों के पास अगर काम नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो इस वजह से भी ये जो चीजें हमको बहुत ज्यादा दिख रहा है कि बढ़ रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है? साइकोलॉजिकल बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स जो है कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से युवाओं को इजीली जो नशे की चीजें मिल रही हैं और वो इसकी तरफ आगे बढ़ी जा रहे हैं, या उनके पीर ग्रुप के अंदर ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो उनको इस तरफ, इस लत की तरफ धकेलते हैं। तो हमारे जितने कॉलेजेस हैं उनको भी बड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेजेस के आसपास इर्द गिर्द ये जो ग्रुप होते हैं बड़े सक्रिय होते हैं, और जो बल्कि कॉलेज ऐसे जहाँ पे अच्छे घरों के बच्चे आते हैं वहां पे तो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। तो हमें इस चीज की तरफ बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके लिए एक हमें कोई कमेटी वगैरह इस तरीके की बनानी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर ब्लॉक वाइज, कि जो इसके ऊपर निगरानी करके जो हमारे बच्चे इसके अंदर पढ़ रहे हैं या फिर अर्ली स्टेजेस में हैं, जो अभी पूरा नशे के आदि नहीं बने हैं, सिर्फ उस तरफ जा रहे हैं, तो उनको भी अवेयर करने की जरूरत है। और रेडक्रॉस सोसाइटी जो है इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, हम जितने भी कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं उसके अंदर हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, अब हम उनको सिखाते हैं कि नशे की पूरी लत से क्या तो उनकी सेहत पे प्रभाव पड़ेगा, क्या उनके जिंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या उनकी फैमिली के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके की चीजें उनको सिखाते हैं, साथ ही उनको सजग भी करते हैं कि इस प्रकार के दोस्त जो उनको इस नशे की लत की तरफ धकेलते हैं या उनको अपने और आकर्षित करते हैं, उनसे किस प्रकार से बचा जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन विकास जी वही है ना कि आप दोस्तों के पास भी एक्सेस ना होना तो वो दोस्त कितने भी खराब हो नशे की तरफ नहीं ढकेलेंगे, लेकिन सबके पास एक्सेस हो कैसे रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर गौर करने की जरूरत है। वंदना जी, चूंकि जिम्मेदारी तो है और इसको लेकर के कोई फुल प्रूफ प्लान जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड पर वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कहा कि हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के स्तर से जो होना चाहिए वो नजर आ नहीं रहा, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। आयुष, आपकी इस बात का रिएक्शन देने से पहले संजीव भारद्वाज जी ने और रजत पंजेटा जी ने एक बात की कि दूसरी पार्टीज पे पिन पॉइंट वाली बात कर रहे थे, वो पिन पॉइंट नहीं था, मैं ये बता रही थी कि बाकी ये मुद्दा सिर्फ हरियाणा का नहीं रह गया है, ये बाकी आसपास के जो स्टेट्स हैं जब तक हम उनको कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि नशा बाहर से आ रहा है हरियाणा में आ रहा है, तो वो कनेक्शन जरूरी है, और वो इस तरह की कोई संयुक्त अभियान नहीं चलाया गया। अगर मुझे पिन पॉइंट करना होता तो मैं बोलती कि 2009 से लेकर 2013 तक सिर्फ 1000 FIR हुई और 2018 में हमने 2500 तस्करों पर हमने एक्शन लिया, तो मुझे लगता है वो पिन पॉइंट वाला मामला नहीं था। सिर्फ मैं ये बताना चाहती थी कि ये एक स्टेट के साथ नहीं हो सकता, ये सभी स्टेट्स मिलकर काम करेंगे। जैसे कि जो एक्शन लिए गए वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो खुफिया जानकारी है उसको हमने साझा करना शुरू कर दिया, उसके अलावा जो ड्रग तस्कर है उनका हमने इंटर स्टेट डेटा, जिस भी स्टेट में जो भी ड्रग तस्कर है उसका डेटा जो है वो सबके पास पहुंच जाए, उसका डेटा बेस तैयार करना स्टार्ट कर दिया। NDPS के अधिनियम के प्रावधानों को हम किस तरह प्रभावी तरीके से और हम कर सकते हैं वो हमने आपस में डिस्कस किया। तो ये 7 राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने मिलकर रणनीति भी बनाई थी, और यहां तक भी ध्यान है कि अगर कहीं पर हमने उनको भेज दिया है नशा मुक्ति केंद्रों पे, तो कितने लोग ऐसे, कितने परसेंटेज ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दिया है, कितने लोग हैं जो अभी तक नहीं छोड़ पाए, कितने लोग हैं जो दवा भी ले रहे हैं और नशा भी ले रहे हैं, तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। पंजेटा जी अभी यहाँ पर एक बात कर रहे थे, उन्होंने सिरसा की बात की, उन्होंने कहा कि विधानसभा में प्रश्न उठाया गया। पंजेटा जी, आपको बताना चाहूंगी व्यक्तिगत रूप से मैं सिरसा गई थी, ये क्योंकि बाई चांस मैं इस डिबेट में हूँ, और वहां पे अरुण नेहरा जी SP थे और उन्होंने पूरा घूमकर सारी चीजें दिखाई थी कि किस तरह से पुलिस काम कर रही है और किस तरह से सरकार की तरफ से ऑर्डर है, सारे डेटा, सारी चीजें कि किस तरह से सिरसा पे हमारा फोकस है क्योंकि ये पंजाब से जुड़ा हुआ है और किस तरह से एक्शन लिया जाता है। उस समय आप चेक भी कर लें तो अरुण नेहरा जी SP हुआ करते थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो ड्रग्स हैं उस पर हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हमने सब कुछ अभी सब कुछ ठीक हो गया,
अभी और करने क्या नहीं, लेकिन वंदना जी देखिए इसमें 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 एक चीज जो मुझे लगता है नजर, एक तो देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, होता क्या है ना, देखिए अभी ये चीजें बड़ी हाइप हैं, अभी आप लोग रैंडम रेड भी करेंगे, सब कुछ होगा, हो सकता है कि कुछ दिन हमको दिखे कि कुछ कमी आई, लेकिन उसके बाद फिर ये उसी तरीके से या उसी रफ्तार से या उसके दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लग जाता है, ये ऑलवेज प्रोसेस में क्यों नहीं रहता, इसको लेकर के कोई प्लानिंग है क्या? और अगर आप कह रहे हैं कि ये काम हो रहा है तो ये घटने के बजाय बढ़ फिर क्यों रहा है? पुपली जी देखो देखो आयुष मैं ये मानती हूँ कि किसी भी अगर सामाजिक बुराई को खत्म करना है तो एक शॉर्ट टर्म मेजर ले सकते हैं, हम लॉन्ग टर्म मेजर ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर में हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि ड्रग बच्चों के पास नहीं पहुंचे, लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर का एक ही उपाय है, जागरूकता। लोगों के बीच में भी जागरूकता हो, हम लोगों के बीच में भी, पेरेंट्स के बीच में भी, वो अपने बच्चों का भी ध्यान रखे कि वो कौन से ऐसे उनके मित्र मंडली ऐसी तो नहीं है कि जो कहीं ना कहीं ड्रग से घिरी हुई है, और कहीं ऐसा तो कि नहीं कि बच्चा चुपचाप ड्रग ले रहा है और बाद में जब बहुत स्थिति खराब हो गई तो पता चला नशा मुक्ति केंद्र में आग खुल रही है। तो वो सब जागरूकता जो है, ये आप डिबेट कर रहे हैं वो भी एक जागरूकता का एक पार्ट है कि जैसे अभी यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट है उन्होंने बोला कि हम चेक करें कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई नशा ले रहा हो, तो ये जागरूकता होना बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म मेजर है, इट विल टेक टाइम, लेकिन सबसे पहले हम कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल करें कि किसी भी तरह से ड्रग्स नहीं आए। और उसके लिए आप ये देखिए जब लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, छोटी दुकानें छुपाकर उसको बेच रही हैं, तो अगर किसी को पता चलता है तो उसको कंप्लेंट करे और उस पर एक्शन होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात। संजीव जी, आयुष जी, मैं ये आपको बताऊं, आपके माध्यम से अपने सभी साथियों को बताऊं, जेठा जी की ये बात ठीक है कि बेरोजगारी एक कारण है, लेकिन ये स्टेटस सिंबल भी बन गया। जहां तक सत्तारूढ़ दल का सवाल है कि भाई सत्तारूढ़ दल से इस डिबेट के अंदर क्या बात आती है, मैं छोटा सा एग्जांपल फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि कोई नशे के कोई भी, पंचकुला में जैसे रहता हूं, पुलिस को एक एक व्यक्ति का पता है जो हमारी एजेंसीज हैं कि ये कौन नशे का कारोबार करता है कौन नहीं। पिछले साल भर पहले एक हमारे पार्षद है पंकज, वो यंग पार्षद है, उसने विरोध किया तो उसको काफी एकदम कातिलाना हमला नशे के व्यापारियों ने किया। साथ ही साथ मैं सत्तारूढ़ दल के लिए ये डिबेट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, ये कोरोना के अंदर जब ये हुआ कि 144 लगा दी या कोई व्यक्ति पार्क में नहीं घूमेगा, कोई व्यक्ति बाहर नहीं घूमेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर बाहर घूमने वालों की भी बनी थी, कुछ एनजीओज की भी बनी थी, और जो सरकारी मशीनरी थी पुलिस, मैं आपको आयुष जी सच बताऊं, चिड़िया भी बाहर उन्होंने नहीं जाने दी, क्योंकि वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्लस एजेंसीज सिंसियरली वर्क कर रही थी। अगर एजेंसीज सिंसियरली वर्क करे केंद्र से लेके सारे राज्यों की, ये बात अपने यहाँ वंदना पोपली जी की बिल्कुल ठीक है कि हम लोगों को कलेक्टिव पूरे देश को इसके लिए अब हजारों टन के हिसाब से जिन लोगों के पोर्ट हैं, प्राइवेट पोर्ट हैं, अब मैं कोई इतनी लंबी डिबेट पे नहीं जाऊंगा, हजारों टनों के हिसाब से वो नशा उतर रहा है, वो किसके पास जा रहा है किसके पास नहीं, छोटे छोटे हमारे अंदर या छोटे छोटे शहर हैं, सारी एजेंसीज को पता है, आज तक कोई इनिशिएटिव क्या ले, उस पर जान का हमला हो जाएगा। माफिया नशे के अंदर लाखों रुपए 5 मिनट में 10 मिनट में कमाते हैं, वो किसी की जान लेने में भी हिचकिचाट नहीं करते, 5 मिनट में उन पर कातिलाना हमला हो जाता है। तो ये तो एजेंसीज को आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके, जैसे विकास जी ने भी कहा कि भी कोई ना कोई इस तरह का कोई इनाम का प्रोविजन है, कोई जागरूक करने का प्रोविजन है, कोई इस तरह का है, बच्चों पे ब्लेम ना किया जाए। आजकल बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर भी स्टेटस सिंबल के तौर पे हम लोग आपस में बैठ के देखते हैं, मान लो हम नहीं पीते या नहीं नशा करते, लेकिन कोई मतलब समाज का कोई वर्ग इस बात से अछूता नहीं रहा, सबके सब इसको या तो कोई यूज करता है या इसको लेके पैसे कमाने के चक्कर में सेल करता है। सबकी ड्यूटीज बनती हैं कि इस महामारी को या इस
इतनी बड़ी कुरीति को सब मिलकर हाथ से हाथ पकड़ के, सरकार का ये काम है, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करे, समाज के व्यक्तियों को मिलाए, अपोजिशन को मिलाए, और जैसे विकास भाई ने कहा है, विकास जी ने कहा है कि कमेटी बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, और वो एजेंसीज को चुपचाप बताएं, उनकी जान को भी खतरा ना हो, और एजेंसीज पूरा इनिशिएटिव लें, तब जाके रोकी जा सकती है ये चीज। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं कि इससे बहुत हमारे युवाओं का या युवाओं के भविष्य का नुकसान होने वाला है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ये पंजेटा जी देखिए, भारद्वाज जी की मैं कहीं ना कहीं एक कुछ बात, एक जो उनका तर्क है उस चीज से कहीं ना कहीं उससे सहमत हूं कि जो उन्होंने हुक्का बार का जिक्र किया या नाइट क्लब्स का जिक्र किया, जो एक शो ऑफ करने के लिए और इजीली एक्सेस भी है वहां पे, जो नाइट क्लब्स में पार्टीज वगैरह होती है, तो आप वो देखिए शहरी को और जो हमारा ग्रामीण है उनके पास पैसे हैं, जिसने जानबूझ के मरना है वो मरे, शो ऑफ करने के लिए मरना है मरे, मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं। मेरा जो कंसर्न है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है जहां उनके पास खाने के भी पैसे नहीं है, और आप जागरूक क्या करेंगे जिनके पेरेंट्स जितना उनके गांव में स्ट्रिक्ट रहते हैं वो, और सबको पता है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या है और क्या क्या मजबूरियां पेरेंट्स गुजरते हैं और कैसे पैसे से घर में उनके दिक्कत आती है, और वो जो घर में पैसा कम होने के बावजूद जो है वो नशे की तरफ खिंचता जा रहा है, बेरोजगार युवा है जो, तो जो मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा है, मेरा फोकस सिर्फ खास तौर पे उन्हीं पे है, और जहां वो पैर पसार चुका है अपने और इजिली अवेलेबिलिटी आ रही है ग्रामीण के अंदर, क्षेत्र के अंदर, शहरों के अंदर जो है वो पुलिस का काम है, आप रेड्स कीजिए, आपको कौन से नाइट क्लब के बारे में नहीं पता, कौन सी जगह के बारे में नहीं पता। मैं बिल्कुल सहमत हूँ भारद्वाज जी से, पुलिस को सारा पता होता है, व्यक्ति व्यक्ति का पता होता है, कौन वहां जाता है, कौन व्यक्ति लेता है, कौन बेचने वाला है और कौन धड़ल्ले से व्यापार कर रहा है, सब पता होता है, इनकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन वो कंसर्न नहीं है कि जो शो ऑफ करने के लिए जानबूझ के, उससे मुझे कोई सहानुभूति भी नहीं है। और जागरूक आज के दिन सबको पता है कि अगर आप ड्रग्स लोगे, अगर आप थिएटर में भी जाते हो तो वहां तंबाकू की एक पूरी एड चलती है, पूरा दिखाया जाता है कि भाई आपका ओरल कैंसर कितना बुरी तरह से, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, हर वार्निंग लेबल है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बात सिर्फ लिकर और सिगरेट के तक लिमिटेड नहीं है, ये तो आप शहरों में आम देखेंगे। एक गुड़गांव में बड़ी फेमस मार्केट है जहां मैंने खुद अपनी आंखों से स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म के अंदर दे वर पफिंग सिगरेट्स, तो स्कूल के बच्चे, तो मैं हैरानगी देख रहा था, मुझे उनसे अगर उनके पेरेंट्स भी कंज्यूम करते हैं कोई करते, मेरा कंसर्न ही नहीं है वो, जहां पे इस चीजों को नॉर्मल लिया जाता है, मेरा कंसर्न है ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर, और वो पूरी तरह से बेरोजगारी ही उसका एक अहम कारण है मेरी नजरों में, मैं उसको बेरोजगारी ही एक अहम रीजन मानता हूं, जिस वजह से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है आज नशे की जकड़ के अंदर। विकास जी, चूंकि देखिए अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर पॉलिटिकली या इन सारी चीज़ों को हम अगर देखें, तो आपको लगता है कि क्या बिना इसके ये नेक्सस इतना स्ट्रांग हो पाए या इतना इजीली ये पूरा वर्क कर पा रहा है? क्योंकि जो बात अभी संजीव जी ने कही या पंजेटा जी ने कही, क्योंकि शासन और प्रशासन चाह जाए तो फिर सही बात है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, कैसे ये नहीं रुक पा रहा है? सवाल तो इसी बात का ना कि आखिर क्यों नहीं रुक पा रहा है, कोई तो है इन सारी चीज़ों के पीछे जिनको खत्म नहीं करना चाहता है। देखिए इस विषय के अंदर जहां तक मैं सोचता हूँ कि प्रशासन के अंदर जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें बड़ी सतर्कता से इस विषय को गंभीरता से लिया जाता है। इवन हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी ओएसटी सेंटर्स जो है बनाए गए हैं, जिसमें जो इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर्स होते हैं, जो एक सिरिंज को लगभग 10 से 12 लोग यूज करते हैं और वो एचआईवी पॉजिटिव भी हो जाते हैं, उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मेडिसिन अवेलेबल कराई गई है सरकार की तरफ से ही। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसके अंदर जो इजी अर्न मनी है, बड़ी तेजी से पैसा कमाया जाता है, ये इसके अंदर एक गंभीर विषय है। इसकी वजह से जो हमारे युवा हैं वो इसकी ओर बहुत जल्दी इसके अंदर इसकी गिरफ्त के अंदर आते हैं कि उनको इजिली पैसा कमाने को मिल जाता है, और उनके जो पीर्स हैं उनको
इन्वॉल्व करवाते हैं नशे के अंदर और उनसे पैसा कमाते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा विषय है और इसके ऊपर हमें प्रॉपरली मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, प्रॉपरली कमेटीज गठित करनी पड़ेंगी जो छोटी छोटी चीजों के ऊपर नजर रख के, और कौन बंदा इसके अंदर इन्वॉल्व है, कहाँ से ये ड्रग्स आ रही हैं और कहाँ किस किस के पास सप्लाई की जा रही है, इसके ऊपर अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके इसको विकास जी, जो कि वंदना जी ने या फिर जो शासन या प्रशासन जो बात कह रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर वो सारी चीजें उसी तरह से एग्जीक्यूट हो पा रही है? क्योंकि आप तो इन सारी चीजों से रोज दो चार होते हैं, क्या वाकई में इम्प्लीमेंट हो भी रहा है? शासन प्रशासन कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं लैग पॉइंट तो है, तभी ये चीज पनप रही है। वो उस लैग पॉइंट को पकड़ने की जरूरत है, वो लैग पॉइंट जब पकड़ में आ जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि इस प्रॉब्लम के अंदर हल मिलना शुरू हो जाएगा। वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए आप, आज की जो डिबेट है बहुत ही सार्थक तरीके से चल रही थी और मैंने देखा कि किस प्रकार से तमाम तरह की कोशिश की जा रही है कि हम क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी मैं सुन रही थी भारद्वाज जी को, उन्होंने कहा कि कोरोना के समय में जिस तरह से सिकनेस दिखाई दी कि पक्षी भी पर नहीं मार पाया, बिल्कुल सही बात है, उस समय सिकनेस दिखाई दी। लेकिन भारद्वाज जी आप इस बात को मानेंगे कि जब तक डर नहीं होता, कोरोना का डर था, आपने देखा होगा कि सब जगह पुलिस नहीं हो सकती, ट्रैफिक पुलिस कहीं पर भी नहीं हो सकती। अगर आप पंचकुला चंडीगढ़ की बात छोड़ दें, दिल्ली की बात छोड़ दें, तो पूरे हरियाणा में अगर कोई पुलिस वाला दिख जाए तो फट से बेल्ट बांध ले तो बांध ले, हेलमेट का सोच ले तो सोच ले, अदरवाइज सोचते भी नहीं है। तो वो एक डर था पीछे, उसके पीछे एक ये कारण भी था। और पुलिस प्रशासन हर जगह नहीं हो सकता, ये इस चीज को भी मानने की आवश्यकता है कि हर एक व्यक्ति पर एक एक पुलिस का पर्सन नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरत है, कि जागरूकता जो है लोगों के बीच में हो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कह रहे थे कि कमेटी बनाई जाए, तो बिल्कुल सभी तरह के काम जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अगर अभी जो विकास जी बात कर रहे थे कि कुछ लैग पॉइंट है और लैगिंग पॉइंट है अधिकारियों की तरफ से, अगर ऐसा लगता है, क्योंकि कई बार मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कहना चाहूंगी लेकिन कुछ ये चीजें भी आ जाती हैं कि अधिकारियों की नॉलेज में होता है, एक्शन नहीं होता, तो वो भी अगर हमें पता चलता है तो हम उन अधिकारियों पर भी एक्शन करते हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पे पंजेटा जी बार बार जिक्र कर रहे थे कि बेरोजगारी की वजह से हो रहा है, बिल्कुल स्टेटस की भी बात हुई, यहाँ पर स्टेटस सिंबल बना लिया जाता है ड्रग्स को स्कूल कॉलेजेस में। गांव के बच्चों का आपका कंसर्न है, अच्छी बात है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं वो भी ड्रग्स ले रहे हैं, आप यहाँ पे बेरोजगारी की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है जो आपको मुद्दा सूट करता है आपने उसी के बारे में बात की, पहले आपको किसान का मुद्दा सूट करता था, आजकल बेरोजगारी का मुद्दा सूट करता है। और जबकि आपको डेटा अच्छे से मालूम है कि 1999 से लेकर 2005 तक 5,125 गवर्नमेंट जॉब दी थी और हम अभी तक 83,000 गवर्नमेंट जॉब दे चुके हैं, 48,000 उद्योग लग चुके हैं, निवेश लगातार आ रहा है, प्राइवेट जो जॉब्स हैं उसमें हम रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको मुद्दा सूट करता हो लेकिन बहुत सारे कारण हैं, विकास जी ने भी कहा अभी सिर्फ बेरोजगारी हो सकता है कि एक कारण हो उसमें कि कुछ लोगों को जिनको जॉब नहीं मिली हो तो वो इस तरफ बढ़ जाएं, लेकिन बहुत सारे कारण हैं। और जब नशा स्कूल तक पहुंच जाए, कॉलेज तक पहुंच जाए, तो वहां बेरोजगारी कारण नहीं होता, चाहे वो गाँव है चाहे शहर है, उसके कारण बहुत सारे होते हैं, उसको देखने की आवश्यकता है। गाँव में तो स्कूल ही नहीं बचे हैं मैम, गाँव में तो स्कूल ही नहीं बचे हैं, कहां के स्कूल तो बंद कर दिया आपने, नहीं खुल रहे हैं भाई साहब। गांव में आपको नंबर दूंगी, मैं आपको नंबर दूंगी, नहीं नहीं, लेकिन वंदना जी, लेकिन अगर यही तो सबसे मेन सवाल है ना वंदना जी, अगर आप खुद कह रही हैं कि देखिए स्कूल तक अगर नशा पहुंच रहा है तो ये कितना अलार्मिंग है कि मतलब स्कूल तक कैसे पहुंच जा रहा है भाई, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जो लोग जो अफेक्टेड है वो ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो प्रशासन अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम कर सकता है वो कर रहा है, और सिकनेस भी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी इतना ज्यादा सजग हैं इसके लिए कि ऐसे काम जो कभी पहले सोचे भी नहीं गए थे, बाकी स्टेट्स के साथ मिलकर चलना, हर कोका की तरफ सोचना, ये सब एक जागरूकता थी। लेकिन ये जो पिछले के 2 साल थे कहीं ना कहीं कोरोना की तरफ हमारा ध्यान भटा रहा, नहीं तो उससे पहले मुझे मालूम है लगातार इस पर काम हो रहा था, और ऐसा नहीं है कि इस पर काम खत्म हो गया है, नए इनिशिएटिव और लेने की जरूरत है। आज आपने शायद न्यूज भी सुनी होगी कि झज्जर में जो हमारे डीजीपी हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल जी, उन्होंने बोला कि अभी आवश्यकता है कि और भी ज्यादा हमारे को जागरूकता अभियान चलानी है और ज्यादा से ज्यादा फोर्स अलर्ट नजर आए, फोर्स नजर आएगी तो कहीं ना कहीं डर रहेगा कि नहीं। वंदना जी, मैंने इस बात से डिनाई नहीं किया कि आप लोग काम नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है, जहां भी जरा सी ढील हुई वो फिर से वैसे ही नजर आएगा, इसलिए बराबर होते रहना चाहिए। संजीव जी क्या कहना चाह रहे थे आप?
आयुष जी, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, मैंने एक बात कही कि कोरोना काल में, तो मैंने इस तरह से, पोपली जी ने इस बात को पॉइंट आउट किया, मैंने इस तरह से नहीं बोला, मैंने बोला कि लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझ रहे थे, डरे हुए भी थे, विकास जी की बात को, पंजेटा जी की बात को मैंने मानते हुए, ठीक मानते हुए बोला कि एजेंसीज को कौन सी बात नहीं पता, पुलिस का काम खाद बांटना नहीं है कि खाद बांटो, पुलिस का काम क्राइम को रोकना, चाहे वो नशे का क्राइम है, चाहे वो खूनी संघर्ष है इस नशे को बेचने के चक्कर में, पुलिस को टिप्स पे है। मैंने अपने शहर में बताया कि हुक्का बार 6 महीने में एक बार 2 दिन के लिए बंद होते हैं, पुलिस को पता होता है कि ये हुक्का बार यहाँ चल रहे हैं और ये 2 दिन में फिर चल जाएंगे, उनको कौन चलवा रहा है। मैं यहाँ ये बात कह रहा हूं, मैं मानता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ मामलों में जो पब्लिक से जुड़े हुए हैं, हमारे नेता विपक्ष ने भी उनकी खुले तौर पर ये कहा, लेकिन एक आदमी के काम करने से या एक आदमी के कंट्रोल बहुत जरूरी है, एक आदमी ठीक हो उससे सरकार का चलना या चलाना जो नीचे काम कर रहे हैं। आप देखो 10 हुक्का बार तो मैं दिखा दूंगा, मैं आम आदमी हूं, और कहां कहां नशा, कितनी बार यहां खूनी संघर्ष हो रहा है, रोज न्यूज पेपर में आता है कि भाई ये इस ड्रग्स को बेचने के लिए लड़ाई हुई और उसका सिर फूट गया, उसको चक्कू लग गया, उसको गोली लग गई। तो ये चीज अगर हम सब, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो समाज के जाने माने, मैं यहाँ समाज के जाने माने व्यक्तियों के बारे में भी कहूं, हर आदमी अपनी जान से और लड़ने मारने से डरता है, तो मेनली ये काम तो सत्तारूढ़ दल को अपनी एजेंसीज को प्रॉपर काम दे के ही लेना पड़ेगा। खाद की जिम्मेवारी किसी और को दे दे, पुलिस स्टेशन पे खाद ना बंटवाए, पुलिस स्टेशन से नशा मुक्ति या नशे के कारोबारियों को बंद करवाएं, और कोई भी समाज का कोई आदमी उनकी मदद ना करे, तब जाके कहीं इस कुरीति को या इस जो भी ये गंदगी है नशे की, इसको रोका जा सके। पंजेटा जी जल्दी से अपनी बात रखें। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से मैं खत्म करता हूँ। अभी भारद्वाज जी ने कहा कि कोरोना काल में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, तो कोरोना काल में शराब से भरे ट्रक कैसे गोदामों में से गोदामों के ताले तोड़कर, ये तो सबके सामने है, शराब के सोनीपत के और पूरे हरियाणा के अंदर कोरोना काल में जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, शराब खुलेआम बिकी है और ऐसे ही नशा भी शराब खुलेआम बिका है। अभी मैं नशे को छोड़ रहा हूं, अभी जिक्र हो रहा हूँ, अभी भारद्वाज जी ने जिक्र किया, हाँ कोई नहीं भारद्वाज जी, मैं आगे आपकी बात को बढ़ा रहा हूँ। भारद्वाज जी ने अभी जिक्र किया कि ऐसे नाइट क्लब्स हैं जो जिन पे रेड पड़ती है दोबारा खुल जाते हैं। मैं माननीय अनिल विज जी से कहूंगा कि आप पहले ये पता कराइए कि आपके महकमे के कौन कौन से अफसरों के कौन कौन से नाइट क्लब्स के अंदर पार्टनरशिप है, कम से कम आपको पता होना चाहिए ना, जनता का भी पता होना चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है पंजेटा जी, इसलिए मैंने पहले ही कहा ना, क्योंकि बिना जो है लोगों के सहयोग से तो ये हो ही नहीं सकता, चाहे फिर वो पॉलिटिकली हम लोग देखें या एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे देखें। अब ये नेक्सस तोड़ेंगे कैसे, यही तो मूल प्रश्न है ना। अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे आप लोगों को यही रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। तो नशा और इसको रोकने के लिए संजीदा होना बहुत जरूरी है, और देखना यह है कि अब इसको रोक लगाने के लिए, इस पर रोकथाम करने के लिए सरकार अपने स्तर पर क्या प्रयास करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।